नमस्ते बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की क्लास करने वाले हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, थोड़े से समझने की चीज़ है, क्योंकि उनको चेंज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों, क्लास के शुरू होने से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और जो जो नोट कराऊँ करते चलिएगा, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले तो हम ये समझते हैं। वे वाक्य जिनमें कोई प्रार्थना की जाती है, किसी के लिए कोई कामना की जाती, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या कभी कभी गुस्से में आके शाप भी दिया जाता है, के लिए मे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हुए क्या करते हैं, जैसे सेट टू वर्ड आया है तो सेट टू को जो भाव उस वाक्य में हो, विश किया है, आशीर्वाद दिया है, बद्दुआ या शाप दिया है, प्रार्थना की है तो विश के लिए विश्ड, अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड, शाप है तो कर्स्ड, या और प्रार्थना की है तो प्रेड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जो मे आता है उसको हम माइट में बदल देते हैं। और कनेक्टिव के रूप में क्या करेंगे, दैट का प्रयोग आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने जब वाक्य चेंज करने शुरू किए थे हमारी पहली और दूसरी क्लास में दैट का प्रयोग किया था, फिर क्वेश्चंस के साथ हमने हटा दिए थे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे तो उनमें हम हटा दिए थे, अब ऑप्टेटिव के साथ वापस लगेंगे। और इसमें जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, विस्मय अधिबोधक चिन्ह, उसको भी हटा दिया जाएगा। और अगर जैसे हम किसी को बाय बोलते हैं या गुड नाइट बोलते हैं, तो उसके लिए गुड बाय या गुड नाइट के लिए सेड टू की जगह बेड शब्द का प्रयोग होगा। तो ये तो एक सामान्य से रूल थे। अब हम चार पांच सेंटेंस किस किस तरह के भाव हैं उसके साथ करके देखते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हुए, कोई हमारे लिए कामना कर रहा है, तो ही क्या है, ये विश, विश्ड मी दैट यू है, मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, आई मे है तो माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और डार्ट लग गया पीछे से, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी हमने हटा दिया। फिर द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, ये बद्दुआ है, शाप दे रहा है, तो साधु जो है वो शाप दे रहा है कि जहन्नुम में जाओ या नर्क में जाओ, तो हम इसको क्या करेंगे, द हर्मिट क्या है, ये कर्स, cursed that all है तो यहाँ they आ जाएगा, they all might go to hell, ठीक है। फिर may God help you, ये प्रार्थना है, तो he said to me may God help you, तो he prayed for me that God might help me, ठीक है, तो ये हुआ। फिर है बेद, he said goodbye friends, तो he bade that he bade his friends goodbye to friends, ठीक है। फिर है wish, अब वो morning wish कर रहा है, तो he wished रवि गुड मॉर्निंग, ठीक है।
ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आई होप आपको समझ में आ। बच्चों ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे, और अब ये देख लीजिए पूरा एक पेज है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी में लिखने में इजी रहे। ओके, थैंक यू।